अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप स्नैपचैट ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे जो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में लिखना है स्नैपचैट, तो ये ऐप आपके पास आ जाएगी। आपने इस ऐप को जो इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल किया तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मेरा डिटेक्ट कर लिया क्योंकि मोबाइल के अंदर मेरा ये नाम लिखा हुआ था। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने लिखना है और उसके बाद आपने साइन अप एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये यूज़र नेम मिलेगा, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज माई यूज़र नेम लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आप यही चाहते हैं तो आप इसको रहने दें, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखते हैं कि ये यहाँ पर असल में सारे नाम आपको फिर मिलेंगे भी नहीं। यहाँ पर आपने अपना यूनिक नाम लिख लेना है। यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर नीचे आएगा यूज़र नेम अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपने दूसरा नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपको ये नीचे सजेस्ट भी करता है, अगर आपने इसमें सेलेक्ट करना तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना। मैं एक पासवर्ड आपके लोगों के सामने क्रिएट कर लेता हूँ, 1234 एट द रेट और यहाँ पर QWER। इस तरह आपने कोई भी पासवर्ड जो है वो लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप ईमेल से लॉगिन होना चाहते हैं या फ़ोन नंबर से। अगर आप ईमेल से होना चाहते हैं तो ये ईमेल जो आपके मोबाइल के अंदर होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप ये वाली ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन नंबर से करना चाहते हैं, यहाँ पर ऊपर आप लिख सकते हैं साइन अप विद फोन इंस्टेड, इस पर आपने क्लिक करना है। तो मैं ईमेल से करने लगा हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ईमेल से करना चाहते हैं नंबर से, वो आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है वेरीफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिंपल आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो आपके नंबर पर जो है एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं स्किप लिखा हुआ है, तो अभी मेरे नंबर पर जो है कोड आएगा। अच्छा, अगर आपके पास एक मरतबा कोड नहीं आता आपके मोबाइल नंबर पर तो रीसेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपने दोबारा रीसेंट पर क्लिक करना है तो ये दोबारा आपको कोड जो है वो सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आपके जो तो यहाँ पर आपके पास SMS आ जाएगा, उसमें भी आपका ये पिन जो है वो लिखा होगा, ये जो कोड है ये आपने यहाँ पर जो है वो लिखना होगा। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपने टर्न ऑन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है, सारी परमिशन जो है इसको दे देनी है और यहाँ पर आपने फिर अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऐप जो है वो ओपन हो गई है और हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर बन गया है। तो इस तरह आप अपना स्नैपचैट ऐप के अंदर जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।